गत दिनों पठानकोट के सिविल अस्पताल में एक गरीब महिला के डिलीवरी दौरान डॉक्टरों की ओर से लापरवाही बरती गई, जिससे महिला ने जमीन पर ही बच्चे को जन्म दिया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि एक शर्मनाक घटना थी। पर अस्पताल के प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई की जगह अपने स्टाफ को बचाने की कोशिश की, जिसके चलते आज बीजेपी द्वारा अस्पताल प्रबंधन तथा पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। इस मामले में जिला प्रधान विजय शर्मा व भाजपा विधायक एवं पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने इस घटना की जोरदार निंदा की। वह कहा कि एक तो सरकार को इसके चलते माफ़ी मांगनी चाहिए व दूसरी तरफ इस पर सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। एडमिशन वास्ते आई है, लेकिन इन्होंने एडमिट नहीं किया हस्पताल के लोगों ने और उन्होंने रेफर करता। उस वेले कि जान का समय नहीं सीगा और उस औरत को इसे कोरीडोर च बच्चे को जन्म देना पाया। इस तो बड़ी लापरवाही होर की हो सकती है। ये पंजाब सरकार, ये हेल्थ डिपार्टमेंट, ये जेडे अखबारों जो रोज भर भर के अपने वादे दे रहे हैं वो बिल्कुल खर्च किए हैं, जिन्होंने मेहनत करके लोगों ने अपना दान दे करके बनाया, ये प्रशासन बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन में साडे लोगों ने ब्लड डोनेशन किया, समय समय सर भारतीय जनता पार्टी ब्लड डोनेशन कर दिया है, लेकिन मैं पता लगा साडे एक कार्यकर्ता ब्लड की लोड़ नहीं। प्रशासन ने उन्होंने क्या ब्लड बैंक वालों ने हस्पताल का प्रशासन लगातार लापरवाही करता है, ये मनमानी करता, किसी की परवाह नहीं करता। ऐसी भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी, इन्हों के खिलाफ डटके करेगी। और वही ब्लड जो ब्लड की जरूरत की मैं गल कर रहा, और राज हॉस्पिटल को सब फ्री मिले, नहीं पता है खून किनू देंगे, किनू बेचते हैं, की यूज करते हैं, लेकिन जिन्हों परिवारों ने जिन्होंने सर्टिफिकेट इशू किए हैं, क्या उन्होंने जरूरत पवे कि खून नहीं देना उन्होंने क्यों ना की है। मैं एस एम ओ साहब आके मांग कर रहा कि इस और अपने प्रशासन को सुधारन, ऐसा मौका ना है या इतों की जनता पंजाब पठानकोट की जनता तंग आके इन्होंने सीटन से मजबूर हो जाए कि अपना आप सुधारन। थे हॉस्पिटल का नाम पंजाब के एक नंबर के हॉस्पिटलों आता है, लेकिन जब भी ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है गल्लां ये वड्डियां वड्डियां इन्होंने कीतियां सी कि स्वास्थ्य स्तर नूं उच्चा करांगे, महला क्लीनिक जिहड़े आ बनावांगे, हर पिंड च महला क्लीनिक होएगा, लेकिन बनाए सो असीं उदों भी इन्हां नूं कहा सी कि जिहड़े तुहाडे कोल अपने हॉस्पिटल ने डिस्पेंसरी है उन्हां दा जे हालात सुधारो, लेकिन क्योंकि ये केजरीवाल तो प्रभावित लोग ने एडवरटाइजमेंट विज्ञापन के नाल चलने वाली सरकार है, इस तो ज़्यादा शर्मनाक इंसीडेंट कोई नहीं हो सकता कि एक गर्भवती महिला अपने बच्चे नू जन्म हॉस्पिटल के फ्लोर ते हो जाता और उन्होंने कोई संभालने वाला नहीं रहता। हेल्थ मिनिस्टर नू अपने पद से बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अज तुसी हॉस्पिटल चल जाओ कोई दवाई नहीं मिलती, छोटिया गल्ला होंदियां। मैं एक दिन ना मेरे को बच्चा आ गया, कहना जी मैनू कुत्ते ने कट्टिया, तुहानू इहना पता होना चाहिए कि कुत्ते ने कट्टे का इंजैक्शन जिहड़ा जरूरी इंजैक्शन है जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल च रहिंदा ही है। मैं एस एम ओ साहब नूं फोन करके पता किया, उन्होंने बेचारे ने मैनू कहा कि जी वो साडे कोल महीने महीने दो महीने तो खत्म है। मतलब हालात यह है कि रौला पाना कि अभी लोगों की सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन मुंडलियां जरूरत जड़ियाँ पूरा नहीं करना। हॉस्पिटल पठानकोट ही नहीं पूरे
पंजाब दे अंदर जड़ा हेल्थ सिस्टम है पूरी तरह चरमराया हुआ है, लेकिन ये सरकार अहंकार दे अंदर है, संख्या बल दे अभिमान च है, लोगों के बल इन्हों का कोई ध्यान नहीं है, इन्हों का ध्यान केवल अपने आकावान खुश कर। यह जड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम नवजात बच्चे मां फलोर के उत्ते होस्पिटल के उत्ते जन्म दिता जड़ा, और जिड़ी वो वीडियो देखी नहीं जा सकती, इंसानियत भी शर्मसार हुई है। एक पासे कहते हैं कि असी महिलावां दे लई बड़े काम करांगे, एक गर्भवती महिला दे नाल जो व्यवहार होया हेल्थ मिनिस्टर नूं माफी भी मंगनी चाहिए और मुख्यमंत्री नूं हेल्थ मिनिस्टर नूं बर्खास्त करना चाहिए जिहड़ा इस प्रकार के कृत्य उहदे होस्पिटलां 'च जिहड़े होए ने शर्मिंदा करन वाले ने।